बांग्लादेश में आसमान से बरसती आफत और जगह जगह घिसकती जमीन ने लोगों की जिंदगियों को तहस नहस कर दिया है। बाढ़ और भूस्खलन ने सैन्य अधिकारियों समेत करीब 130 लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया। सबसे अधिक प्रभावित जिला रहा रंगमती, जहां करीब 80 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें 4 सैन्य अधिकारी भी शामिल है। वहीं करीब 10 सैन्य कर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के वक्त ज्यादातर लोग सोए हुए थे, जिसकी वजह से अधिक जनहानि नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। आपको बता दें कि इस तबाही की शुरुआत सोमवार से हुई थी। सोमवार को हुई जबरदस्त बारिश ने चटगांव, बंदरबन और रंगमती जिले को बुरी तरह प्रभावित किया। भारी बारिश के चलते मंगलवार को भी इन जिलों में भूस्खलन हुआ, जिसमें सैकड़ों मकान भरभरा कर गिर पड़े। चटगांव जिले में 37 अन्य लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि बंदरबन जिले में भूस्खलन के कारण 7 लोग मारे गए, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। बाढ़ और बारिश के कहर में 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश में आई इस आपदा पर दुख व्यक्त किया है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वह बांग्लादेश में भूस्खलन की वजह से हुई मौतों के प्रति अपना दुख प्रकट करते हैं। भारत इस दुख की घड़ी में बांग्लादेश के साथ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में बाढ़ और भूस्खलन पहले भी कई बार तबाही मचा चुके हैं। 1987 में बाढ़ और भूस्खलन से 1657 लोगों की जिंदगियां छीनी थी। 1988 में आई बाढ़ में 2379 लोगों की मौत हुई। वहीं 1998 में आई बाढ़ में 1050 लोगों की मौत हुई थी। 2007 में चिटगांव में भूस्खलन में 130 लोगों की मौत हुई, जबकि 2010 में दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में बाढ़ और भूस्खलन से 53 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही मई 2017 में चक्रवाती तूफान मोरा में 8 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पिछले महीने श्रीलंका में भी बाढ़ और भूस्खलन ने कहर बरपाया था, जिसमें मरने वालों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई थी। श्रीलंका में इस साल आई बाढ़ 1970 के दशक आई बाढ़ से भी ज्यादा भयानक थी। तो बांग्लादेश में एक बार फिर तबाही का मंजर है। भारी बारिश और भूस्खलन से करीब 130 लोगों की मौत हो गई है। राहत बचाव कार्य की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं। बांग्लादेश में आई इस आपदा पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। देखते रहिए डीबी लाइव।